एंकर वन। गुरुग्राम सोहना के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। इसी मुद्दे को अब नवजन चेतना ने उठाया है। सोहना में नवजन चेतना ने एक मुहिम शुरू की है कि युवाओं को रोजगार मिले। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि गुरुग्राम और सोहना में काफी औद्योगिक इकाई लगाई गई, लेकिन जो रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलना था, पर यहाँ के युवाओं को रोजगार न देकर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसके लिए संगठन के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है और अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को भी घेरने की तैयारी की जाएगी। वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने साफ छवि के प्रत्याशी दक्षिणी हरियाणा की सीटों पर उतार सकती है। फिलहाल बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अभियान चलाया जाएगा और सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। गुरुग्राम में जहां भी उद्योग स्थापित हुए वहां गांव और यहां के निवासियों ने जमीन दी है, उसके बाद वहां उद्योग लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुरुग्राम सोहना के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। इसी के चलते ये अभियान छेड़ा गया है जिसमें युवाओं को रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इस अभियान के तहत सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि यहाँ के युवाओं के लिए कुछ जगह और सीट आरक्षित हो सके, जिससे यहाँ के युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। हमारे आज मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा ये था कि हमारा सोहना क्षेत्र के युवाओं को, जितनी हमारी यहाँ कंपनीज हैं, ये इनको नौकरियों में लेते नहीं है और ये कहकर के इनको बहिष्कार कर देते हैं कि आप यहाँ के सोहना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये हमारी समस्या बिल्कुल बाहर है। तो समाधान के लिए किस तरह के रूपरेखा तैयार की? समाधान के लिए हमने सारे अपने युवा साथियों को इकट्ठा करके कहा है कि आप इस सारी चीज की आवाज उठा के एकमुश्त सरकार के कानों तक पहुंचाएं, लेबर कमिश्नर के कानों में बात डालेंगे और इसको आपके पत्रकार के माध्यम से, अपने छायाकार के माध्यम से इस आवाज को उठा करके सरकार तक पहुंचाने का आज हमने निर्णय लिया है। इससे आगे की रूपरेखा क्या पार्टी? आगे की रूपरेखा ये, हमने नौजवान साथियों की टीम बनाई है, जो भी आपके यहाँ दिखते हैं, जैसे बेरोजगारी की लोकल अपने यहाँ समस्याएं हैं, पानी की है, पानी स्वच्छ इनको पीने का नहीं मिल रहा, शिकायत मिली है पानी में काफी गंध आ रहा है, तो उसकी भी हमने 10-1 लड़कों की टीम बनाई है कि पानी की बोतल भर के उसके सैंपल भरो और उसकी एक प्रोटेस्ट के रूप में बैठो रोड के ऊपर, ताकि सरकार को पता लगे कि सोहना के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। पानी पीने की और ये ऐसी बुनियादी जरूरत है जो कि हर सरकार को प्राथमिकता के तौर पर करनी चाहिए। सोहना की समस्या ही समस्या है, ज्यादातर नहीं है समस्या, यहाँ है क्या सोहना में? ना यहाँ हॉस्पिटल बढ़िया है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी है तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं तो वहां पर बेड नहीं है, बेड नहीं तो वहां का शौचालय है वो आप देखो जाकर के ऐसी बदबू नजर आएगी। ये बुनियादी बात है, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत की बात करती है सरकार, तो सबसे पहले बुनियादी हॉस्पिटल से होना चाहिए। यहाँ की मार्केट कमेटी में जाके देखो कितना बुरा हाल है, ऐसे गाजर मूली तरह कंजर हो रहा है कि वहां पर कोई मैं समझता नहीं, अधिकारी क्या करता रहता है। क्या सरकार इस बात के लिए इंतजार में बैठी है कि हमें कुछ शिकायत करे तभी उनके कान खोलेंगे? क्या सरकार का अधिकारी क्या करता है यहाँ पर, उसको किस लिए तैनात किया गया है सरकार ने? इसके बाद लोकल समस्या बाजार की जाके देखिए, कोई सुनने का परवाह नहीं करता, दुकानों के अंदर एंक्रोचमेंट हो रही है तो एंक्रोचमेंट ही चल रही है, गरीब आदमी को छेड़ते हैं, जिनकी परमानेंट एंक्रोचमेंट है उनको कुछ कहता ही नहीं है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपके मत का क्या, किस तरीके से कैंडिडेट चुनाव में उतारेंगे या फिर समर्थन करेंगे? देखिए, ये नवजन चेतना मंच की कोर कमेटी फैसला लेगी। हमने पहले ही कहा है कि पार्टी कोई हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन नवजन चेतना मंच का यह आह्वान है कि स्वच्छ छवि के बढ़िया लोग संसद में और खासकर हमारी विधानसभा की लड़ाई है वहां बढ़िया चरित्र के बोलने वाले पढ़े लिखे लोग वहां ऊंची पंचायत में बैठे, ताकि हमारे भविष्य का फैसला हो, ले सके। 9 सीटें लोकसभा की फरीदाबाद की बनती है, 9 सीटें लोकसभा के बाद गुड़गांव की बनती है, 18 तो सीटें ये विधानसभा की हो गई, 5 सीटें हमने भिवाणी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए जो दक्षिणी हरियाणा में आती है, ये इस प्रकार कुल 23 सीटें बनती हैं। तो हम 23 की 23 सीटों पर स्वच्छ छवि के, बढ़िया चरित्र के, अच्छे बोलने वाले लड़के विधानसभा में उतरवाएंगे। समय आने पर